नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत आनंद आएगा इस वीडियो में। लगभग 450 साल पुराना मंदिर है ये। माँ देवरा है गंगाणी के अंदर कहता, जहाँ सप्ताह होती है साल में एक बार 7 दिनों के लिए। दुर्गा, ये हमारे यहाँ पर खांडिया देवड़ है जहाँ पर प्राचीन समय में महादेव जी का मंदिर था, जिसका सही देखभाल नहीं करने के कारण यह एक खंडर बन चुका है हमारे यहाँ। लेकिन इसका कभी भी पुनर्निर्माण नहीं करवाया। इसके अंतर्गत कई प्रकार के प्राचीन समय के चित्राकृति की गई है, ठीक है। एक चबूतरा ज़रूर बनवाया गया इसको कि नीचे ना गिरे इसके कारण। आगे देखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। अभी आप देखेंगे, ये देखिए इसके अंदर कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण यह खंडर बन चुका है। पुरातात्विक चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो आठ से 12 क्लास में, और ये हमारे गंगाणी गांव में कन्या पाठशाला है जो बालिकाओं के लिए है। इससे पहले जो वीडियो बताया था या स्कूल बताई थी वो पुरुषों के लिए है और ये 10 तक है। जी हमारे यहाँ पर संपर्क बाल विकास केंद्र है गंगाणी के अंदर। ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पर रहते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो संपर्क करना है नीचे नंबर वगैरह दिए हुए हैं एकदम क्लियरिटी के साथ। बड़ी सुविधाएं अच्छी है यहाँ पर, हरियाली सब्जी वगैरह सब यहीं पर कृत्रिम नहीं ही मिलती है। ये माझी शाह का मंदिर है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग 13 और 14 के दिन यहाँ पर मारवी भाषा में कहते हैं ना पूछ कर ऐसा जो की जाती है, जोत वगैरह की जाती है। जसोल माता जी के मंदिर के अंदर ये इंक्लूड है। जसोल माता भूमि माझी शाह जी का मंदिर ये देखिए बहुत ही शानदार बना हुआ है। श्री बालाजी आदर्श विद्या मंदिर जो 12 तक है, यहाँ पर भी RC है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहाँ से इस स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ा है लगभग सक्सेसफुल हुआ हुआ है। आड़ माता का मंदिर है जो लगभग 500 साल पुराना माना जाता है, जिसका अभी पुनर्निर्माण किया गया था। देखते हैं अंदर, पुनर्निर्माण किया गया। इसके नीचे भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई धन गड़ा हुआ है,
जो भी इसको खोदने की कोशिश करता है उसे शेषनाग जी आकर उसे डस लेते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। सुनी हुई कई बातें हम कह सकते हैं, लेकिन अभी तक तो किसी से पूछा जिसने यही जवाब दिया। अब इसका जीर्णोद्धार हुआ है, देखो ये हॉल बना हुआ। अब इसकी जड़ें देखकर, किल्लोर की जड़ें देखकर आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना पुराना है ये। ये देखो गिलोर है जिसकी जड़ें तना, ये देखिए ये यहाँ खूब सारी हरियाली है, मेहंदी वगैरह। नवा नगरिया के अंतर्गत ये भी भूमि जी का थान है। प्राइमरी अपर प्राइमरी तक स्कूल है ये नवा नगरिया के अंतर्गत।